जो गृह मंत्री गया था वहां पे उसका कोई भी असर नहीं है। प्रेसिडेंट रूल्स ही एक ही सॉल्यूशन है अभी वहां का। हजार से ज्यादा घर जल चुका है भैया। अभी देखिए हमें स्टेट गवर्नमेंट में तो भरोसा बिल्कुल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही हमारे खिलाफ हो चुका है। लेकिन उनकी घर आराम से मणिपुर गवर्नमेंट जला रहा है, उनकी बीवी बच्चे जंगल में बिना खाए पिए भूखे प्यासे कितना ऋण सहेंगे भैया, हम लोग से सहा नहीं जाता। जो गृह मंत्री गया था वहां पे उसका कोई भी असर नहीं है। आज आप लोगों ने उनके घर का घेराव भी किया था भैया, डेलीगेशन मिला भी था, तो क्या बात हुई, क्या कहा है? वो हमारा लीडर्स है, वो लोग आपको रिपोर्ट दे सकता है। तो आप लोग जब मिलने गए थे वहाँ आपने घेराव किया गृह मंत्री जी का, तो क्या पुलिस ने आपको वहाँ से हटा दिया था? पुलिस ने हमें जंतर मंतर जाने को कहा। अच्छा, आपको यहाँ भेज दिया गया? हाँ जी। जिस तरह से मैं अगर बात करें तो मणिपुर में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो उसका कोई असर नहीं हो रहा है कि वायलेंस को खत्म किया जा सके? बिल्कुल नहीं भैया, वहाँ पे वायलेंस अभी बिल्कुल भी बंद नहीं है। कल भी चल रहा है, आज भी चल रहा है, परसों भी चला था, लगातार चल रहा है, लगातार गले जल रहा है, लगातार हमारे ऊपर कुकी चीन मिजो हमारे ऊपर अटैक लगातार होते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो दूसरा जो समुदाय है मैथिली, वो लोग तो कहते हैं कि हम जो है जो हिल है वहाँ पे तो हम जा ही नहीं सकते, तो हम कैसे ये सब करें? हिल जो है भैया ये लैंड का इशू है, हिल हमारा लैंड है, ठीक है, ट्राइबल राइट्स होता है वहाँ पे, वो हमारा ट्राइबल राइट्स ने कवर किया है हिल एरिया को। तो अब क्या चाहते हैं आखिर में, कुछ क्या मांगे हैं केंद्र सरकार से, क्योंकि आपको तो स्टेट गवर्नमेंट जो मणिपुर के स्टेट गवर्नमेंट है उस पर भरोसा नहीं है, केंद्र सरकार से आपको उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? और देखिए हमें स्टेट गवर्नमेंट में तो भरोसा बिल्कुल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद ही हमारे खिलाफ हो चुका है, वो खुद ही हमारे को मारने में हमारा घर जलाने में तुली हुई है। तो हमें अभी बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होए, क्योंकि हमारा गांव जो है, हम विलेजर्स है, देखो यहाँ पे विलेजर्स लोग है, वहाँ पे इंडियन आर्मी में कौन सबसे ज़्यादा होता है? विलेजर्स होता है। आपकी बिहार में भी, राजस्थान में भी विलेजर्स लोग इंडियन आर्मी में होता है। इंडियन आर्मी अपनी जगह पे वहाँ पे हाईटीच्यूट में या तो कहीं नॉर्दर्न कमांड में ड्यूटी दे रहा है, लेकिन उनकी घर आराम से मणिपुर गवर्नमेंट जला रहा है, उनकी बीवी बच्चे जंगल में बिना खाए पिए भूखे प्यासे कितना ऋण सहेंगे भैया, हम लोग से सहा नहीं जाता। आपका कहने का मतलब जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं लेकिन उनका ही घर सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित तो क्या भैया, जला चुका है, सब जला चुका है। हर एक गांव में मान लो तकरीबन हर एक घर, हर एक परिवार में एक इंडियन आर्मी होता है। अभी मान लीजिए ये एक अंदाजे के तौर पर कितनी कैजुअल्टीज हुई होंगी या कितने गाँव जो है जला दिए गए, कोई अंदाजा है, कोई डेटा? हजार से ज्यादा घर जल चुका है भैया अभी। जैसे आप मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, लेकिन मान लो पूरा गांव खत्म हो चुका है हिली एरिया में जो है, आप चुरचानपुर में थोड़ा बचा है, कांगपोकपी में थोड़ा बचा है। जैसे आपने कहा कि हमें केंद्र सरकार पर भरोसा है और काफी टाइम हो गया हिंसा होते हुए, वायलेंस होते हुए, और गृह मंत्री अमित शाह भी गए थे, तो क्या अभी भी आपको भरोसा है कि वहाँ वायलेंस खत्म हो जाएगा केंद्र सरकार के इंटरफेयर से? देखे भैया अभी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो भरोसा रखना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास क्या चारा है? कोई चारा नहीं है भैया हमारे पास। सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी भी हमें भरोसा है और हमारा भरोसा रहेगा, ये चीज हमारी बात उनको सुनना भी पड़ेगा।
क्योंकि हम इंडियन है, उनका सिटीजनशिप है, हमारे बात सुनना पड़ेगा उनको, और प्रेसिडेंट रूल्स जल्द से जल्द लाना चाहिए वहाँ पे। इतना समय हो गया है, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया जो वायलेंस को खत्म किया जा सके। खत्म करने का एक ही तरीका है, प्रेसिडेंट रूल्स भैया, वो जो आज हम भी आज भी मांग कर रहे हैं, कर भी मांगा था, आने वाला दिन में भी मांगेंगे, जब तक नहीं होगा मांगेंगे। प्रेसिडेंट रूल्स ही एक ही सॉल्यूशन है अभी भाप का, जो भी मामला है सुलझाने के लिए। तो जो वहाँ पे मंत्री है बीरेन सिंह, वो तो खुद जो गठबंधन से बने हुए हैं, मतलब जो बीजेपी है सेंटर में, जो सरकार है उसकी पार्टी का सपोर्ट है उनको, वो सीएम बने हुए, तो क्या वो उनको आदेश नहीं दे सकते, क्या ऑर्डर नहीं दे सकते कि वहाँ पर कंट्रोल किया जाए? बीरेन सिंह का हमें कोई भरोसा भी नहीं है, और वो कितना हद तक जा सकता है एक इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सरकार बीजेपी की है और स्टेट गवर्नमेंट में सरकार वो तो है भैया, आपका पॉसिबल कैसे? आपका बात सही है, आपका बात सही है प्रेसिडेंट, वही तो हम मांग कर रहे भैया, जब तक नहीं देगा तब तक मांगेंगे, प्रेसिडेंट रूल्स होना चाहिए वहाँ पे। क्या करेंगे फिर, अगर मान लीजिए आपको नहीं मानी जाती है बात, क्योंकि आप गृह मंत्री के घर गए थे, वहाँ से भी आपको भगा दिया गया, अब जंतर मंतर पे हैं, क्या करेंगे आप? भगाया तो नहीं गया भैया, हमें जहाँ पे करने के लिए बोला, हमारा लीडर्स है, बात कर रहे हैं उनसे, वो अंदर की बात, हम अभी तक हमें कोई ब्रीफिंग नहीं है, भगाया तो नहीं गया, हमें यहाँ पे जंतर मंतर में आने के लिए बोला। हाँ जी, हाँ जी।